आशीर्वाद की शक्ति। यह कहानी 12वीं सदी की है। एक गांव में बहुत ज्ञानी ज्योतिष रहता था। ज्योतिषी की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। लोगों की जन्म पत्रिका कुंडली देखकर उनके आने वाले भविष्य में और दूर के भविष्य में क्या महत्व की घटनाएं घटने वाली हैं, इस बारे में सटीक भविष्यवाणी करता था। साथ ही साथ जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं को टालने के लिए उपाय भी उन्हें बताया करता था। इस ज्योतिषी को विवाह के कई सालों तक जब संतान नहीं हुई, तब उस ज्योतिषी के परिवार वाले काफ़ी चिंतित रहते थे। लेकिन ज्योतिषी को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी खुद की जन्म पत्रिका देख रखी थी और वह जानता था कि उसे पुत्र प्राप्ति थोड़ी देर से होने वाली है। उसको विवाह के 10 साल बाद पुत्र हुआ। ज्योतिषी और उसका पूरा परिवार काफ़ी खुश हो गया और इन 10 सालों में ज्योतिषी का नाम और भी ज़्यादा दूर दूर तक फैल चुका था। वह सुबह शाम लोगों की कुंडलियाँ देखने में व्यस्त रहता था। उसे तनिक भी समय नहीं मिल पाता था। पुत्र प्राप्ति की खुशी और उसके काम में व्यस्तता के कारण कभी उसके दिमाग में अपने पुत्र की जन्म पत्रिका बनाने और उसे पढ़ने का विचार नहीं आया। और देखते ही देखते पुत्र 14 साल का हो गया। उस जमाने में 15 साल तक शादियां हो जाती थीं, इसलिए अब ज्योतिषी के मन में भी अपने बेटे की शादी का विचार आया। तभी एकाएक उसके दिमाग में यह विचार प्रकट हुआ, मैंने अपने पुत्र की जन्म पत्रिका तो बनाई ही नहीं है, सबसे पहले मुझे उसकी जन्म पत्रिका बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है, उसे कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा काम वो करेगा और उसके जीवन में और भी क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। इस विचार आने की देरी थी और अपने व्यस्त जीवन से ज्योतिषी ने समय निकाला और फटाफट अपने पुत्र की जन्म कुंडली बना दी। उसे यह देखकर आश्चर्य और सुख हुआ, क्योंकि उसके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उसका पुत्र 15 वर्ष का होते ही आधी रात में मर जाएगा। ज्योतिषी को अपनी लापरवाही पर बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि अगर वह पहले ही अपने पुत्र की कुंडली बना लेता तो उसे पहले ही इस बारे में जानकारी हो जाती और वह इस दुर्घटना को रोकने के लिए कोई उपाय कर सकता था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक दिन का समय था, क्योंकि एक दिन बाद ही उसका पुत्र 15 वर्ष का होने वाला था। उस एक दिन में ज्योतिषी अन्य किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला और पूरा दिन एकांत में बैठकर सोचता रहा। उस दिन ज्योतिषी ने धर्म ग्रंथों को बड़े ध्यान से पढ़ा। जिस दिन ज्योतिषी के पुत्र का जन्मदिन था, उस दिन ज्योतिषी ने उसको अपने पास सवेरे सवेरे बुलाया और उसे कहा कि तुम द्वार पर खड़े हो जाओ, जो भी मेहमान आने वाले हैं उन सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। ज्योतिषी ने पहले से ही अपने कई लोगों को भेजकर आसपास के कई महान साधु संतों को न्योता दे रखा था, इसलिए उसके घर में आने वाले ज़्यादातर मेहमान महान और सिद्ध पुरुष थे। ज्योतिषी का पुत्र सबके पैर छूकर उनका स्वागत कर रहा था और वह सब भी उसे दीर्घायु और सुखी होने का आशीर्वाद दे रहे थे। कहते हैं कि उस जमाने में साधु संतों की वाणी में चमत्कारी शक्तियाँ थीं। उनके द्वारा किए गए आशीर्वाद और श्राप कभी खाली नहीं जाते थे। ज्योतिषी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए इसी बात का फ़ायदा उठाया था और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि ज्योतिषी पुत्र बड़ी लंबी आयु जिया।